लगभग 11 महीने के बाद मैं था दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और शुरू होने वाला था एक नया सफर। दिल्ली ड्यूटी फ्री की रंगीन गलियों में से निकलते हुए मेरा अगला पड़ाव था एयरपोर्ट लॉन्जेस में पहुंचने का। लेकिन COVID-19 के बाद कुछ सरप्राइजेस हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भाई साहब, खुल रहे कोई सी लॉन्ज? कोई भी नहीं। एयर इंडिया लाउंज, आईटीसी ग्रीन लाउंज और काफी सारे अन्य लाउंजेस का अता पता बिल्कुल नहीं था क्योंकि सब बिल्कुल बंद हो चुके थे। लाउंज कहाँ शिफ्ट हो गए? गार्डन फार्मेसी के बराबर। लेकिन हमने हार नहीं मानी थी और वहीं से शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। आखिरकार ढूंढ ली लाउंज, प्लाजा प्रीमियम लाउंज। अरे वाह, बिल्कुल खाली। गुड मॉर्निंग, बैठेंगे कहाँ ये सोचो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नई सीरीज में और हम जा रहे हैं दुबई। इस बार मैं इस वक्त बैठा हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। फिलहाल हम हैं प्लाजा प्रीम लॉन्ज में और इस यात्रा के साथ ही हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं कि COVID-19 के बाद क्या क्या ट्रेवलिंग में चेंजेस आए हैं। बात करते हैं एयरपोर्ट से ही, तो उसके लिए आपको चाहिए आपके रिटर्न टिकट्स, वैलिड ट्रेवल इंश्योरेंस, आपके वीजा की कॉपी और होटल बुकिंग। जब आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट के अंदर तो गेट पर एक शील्ड के अंदर CISF ऑफिसर्स जो हैं वो आपसे मांगते हैं आपकी आपके टिकट्स और आपके पासपोर्ट्स को देखते हैं और आपको मास्क उतार कर अपनी आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। उसके बाद जब आप लाइन में लगते हैं बोर्डिंग पासेस के लिए तो सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले डेस्क पर आपको अपनी कोविड की रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी। उसके बाद अगर वो ICMR द्वारा अप्रूव है तो ही आपको बोर्डिंग पासेस इशू किए जाएंगे। उसके बाद बात आ जाती है इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन इतना स्मूथ नहीं था। काफ़ी सारी ट्रेवल हिस्ट्री होने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, दूसरा आप क्यों जा रहे हैं, आप लास्ट टाइम आपने कब ट्रेवल किया था, आपका बिजनेस क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हैं। इन सब क्वेश्चंस के बाद में हम आगे प्रोसीड कर पाए। फिलहाल मैं हूँ प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज में, लेकिन बहुत कुछ चेंजेस हो गए। जो ऊपर फूड कोर्ट में जो प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज और काफ़ी एयर इंडिया के लॉन्च, ITC की लॉन्च हुआ करती थी, वो सब क्लोज हो चुकी हैं। फिलहाल एक ही लॉन्च चालू हुआ है, प्लाजा प्रीमियम लॉन्च, जिसके अंदर हम फिलहाल बैठे हुए। बफे, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो हुआ करते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और आपको आपकी टेबल पर ही आपका मेन्यू दिया जाएगा, जिसमें से आपको अपनी जो डिशेज हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको क्या खाना है। जो मेन्यू हमें मिला है मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, कोशिश करूँगा एक बेहतर फोटोग्राफ आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाए, लेकिन अभी वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है।
जैसे ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन में ये स्टीम रवा इडली सांभर वेजिटेबल चटनी ये नॉन वेज है, उसके बाद ये बाकी सारी ऑन रिक्वेस्ट चीज़ें हैं बेवरेजेस हैं, तो जो भी ये सब चीज़ें हैं आपको मिलेगी आपकी टेबल पर ही। तो जनाब एयरपोर्ट लॉन्च में बैठने के बाद जो आनंद आया है 1.5 साल के बाद उसका किसी भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा एडिक्शन सा हो गया था लॉन्चेस से और फ्लाइट से कि वो छूटे नहीं छूट रहा था। मैं लास्ट जो बैठा था फ्लाइट में बैठा था 28 फरवरी 2020। उसके बाद अब आज मौका मिला है बैठने का लाउंज में और अब मिलेगा फ्लाइट में बैठने का। बाकी जलपान जो है वो लाउंज में ले लिया है, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो लाउंज का ठीक है, पहले से बेहतर है। अब आपको मैं बता देता हूँ लाउंज में मिलने वाले इंटरनेट के बारे में, क्योंकि मेरे पास वोडाफोन का कनेक्शन था पोस्टपेड, तो आपके पास वोडाफोन पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो उनके लिए आप माई वोडाफोन वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपके पास ओटीपी आएगा आपके वोडाफोन नंबर पर, उसको ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका जो वाईफाई है वो शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास वोडाफोन नहीं है तो आपको दूसरे ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा, वो मैंने अभी चेक यहाँ पर नहीं किए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनमें भी ओटीपी प्रोसीड करने के बाद आपका वाईफाई जो है वो शुरू हो सकता है। लगभग टाइम हो चुका है 7:20 और फ्लाइट जो है हमारी एयर इंडिया की वो 8:40 सुबह की है। हम घर से निकल गए थे 3:30 क्योंकि आफ्टर कोविड लगभग 4 घंटे पहले आपको पहुँचना पड़ता है एयरपोर्ट पर। तो जैसे आपने देखा होगा थंबनेल में कि आई एम ट्रेवलिंग टू दुबई विदाउट अ वीज़ा, तो एक्चुअली वो क्या है कि मेरे पास US वीज़ा है 10 सालों का, तो जिनके पास US वीज़ा होता है दुबई उन्हें अलाउ करता है ऑन अराइवल वीज़ा, लेकिन आफ्टर कोविड जो है वो एक चेंजेस आ गए हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पहले ऑन अराइवल वीज़ा लिया था लेकिन उसका प्रोसेस दूसरा था जिसकी वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार इन्हें प्री अप्रूवल लेना पड़ता है एयरलाइंस को, तो एयर इंडिया हमारा पासपोर्ट स्कैन करके जो है भेजता है दुबई इमिग्रेशन को, वहाँ से उनका अप्रूवल आपके पास 15 मिनट में भी आ सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है, 1.5 घंटे में भी आ सकता है, वो उसको अप्रूव भी कर सकते हैं और डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने लकी हैं कितना टाइम आपको लगता है। तो यहाँ से मेरा पासपोर्ट स्कैन हुआ और वो गया दुबई इमिग्रेशन के पास, लगभग आधे घंटे के बाद उनका अप्रूवल आ गया, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हुए कि 1.5 घंटे तक भी अप्रूवल नहीं आए और जिनके पास वीज़ा होता है वो पैसेंजर्स आगे चले जाते हैं और जिनका हमारी तरह ऑन अराइवल का वीज़ा का जो प्रोसेस होता है उनको इतना वक्त भी 1.5 घंटे तक भी वेट करना पड़ जाता है। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं दुबई के लिए और आप सही वक्त पर पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट, तो आपके लिए फीचर जो है कारगर है, क्योंकि आपको ये सस्ता भी पड़ता है और अगर आप एंड टाइम पर आपको आने की एयरपोर्ट पर आदत है तो आप अपना वीज़ा लेकर आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस जो है टेस्ट कर लेता हूँ, मुझे पाइनएप्पल जूस बहुत पसंद है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो प्लाजा प्रीम लॉन्च का बहुत अच्छा रहा। तो चलिए जनाब चलते हैं बाहर। कहाँ से जाना है एग्जिट? थैंक यू वेरी मच। तो जनाब ये है इमिग्रेशन, जब हम वापस आते हैं हिंदुस्तान तो इतना खाली इमिग्रेशन काउंटर्स मैंने तो कभी आज तक देखे नहीं, पूरे बिल्कुल खाली पड़े हुए। तो अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ फ्लाइट बोर्ड करने के, लेकिन तो मैंने सोचा रास्ते में जो काउंटर्स हैं या जो भी कुछ नई अपडेट आती है वो मैं आपको दिखा दूँ। और अगर इस दौरान आपको मिल जाते मिडिल सीट तो आपको पहननी पड़ेगी ये पीपीई किट और उसके बाद सभी को फेस शील्ड लगाना अनिवार्य है।
और फ्लाइट के अंदर आपको मिलती है एक लाइट सी मील। जिसमें होती है एक चीज ब्रेड और एक फ्रूटी स्वीट ब्रेड, जिसके साथ आपको मिलती हैं दो वाटर बॉटल। अब वक्त है दुबई लैंड करने का और आगे प्रोसीजर्स को फॉलो करने का। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो आती है टनल 2 पर। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं अगर, तो वहाँ गेट पर टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन बात ये है कि वो शुरू होती हैं AED 25, यानी कि 25x20 मिनिमम 500-550 रुपए से वो शुरू होती हैं। तो हम थोड़ा सा आगे पैदल चल कर जा रहे हैं जहाँ पर हमें टैक्सी मिल सकती है 5 AED से शुरू, यानी कि 100 रुपए से शुरू। तो उसकी तलाश में कुछ सेविंग के लिए मैं जा रहा हूँ आगे। इसके बाद होटल पहुंचने के बाद वैसे मैं सारी कंक्लूसिव वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आपको कैसे कहां से क्या मिलेगा जो आपकी सेविंग भी हो जाए, आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो। और बाकी प्रोसेस टेस्ट हुआ क्या हुआ, इमिग्रेशन कैसे हुई, वो सारा मैं आपको जाके एक कंक्लूसिव वीडियो में दोबारा एक बनाऊँगा सिर्फ इसी प्रोसेस की। जो आप आएँ तो आपको किसी प्रकार कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। जा रही है एक टैक्सी, अब इसका पता नहीं है कितने रुपए से शुरू है। अब मुझे जाना, एक्चुअली जो बताया गया है कि सिग्नल क्रॉस करके जाना है आगे तक, लास्ट तक। ठीक है, तो टैक्सी लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो जनाब एक अभी कहानी हुई है इंडिया की तरफ, और मैं बैठ रहा था लेफ्ट साइड में जहाँ गाड़ी का स्टेयरिंग होता है। मैं तो तुम्हारा टैक्सी लेके चला जाता अभी। तीनों इधर ही, मैं इधर आएगा, सब पीछे। अच्छा ठीक है, अरे वो आता क्या बांग्लादेश। तो ये जनाब शुरू हो गई है 5 AED से टैक्सी। तो अभी एक विशेष हमारे साथ स्कैम होने की कोशिश की एक जनाब ने, लेकिन हम उनके चक्कर में आए नहीं। रिस्क ले लो। अभी एक आया था, बोला 80 दिरहम लूंगा ये वो है। मैंने कहा भैया आपको जहाँ 80 दिरहम मिले वहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला रिस्क भी है, मैंने कहा क्यों ले रहे हो रिस्क, जाओ आप। तो एक जनाब 80 AED मांग रहे थे, 80 दिरहम, लेकिन हमने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। अब हम पहली बार तो यहाँ आए नहीं हैं जो उनसे लुट लें।